फेसबुक आईडी में फ़ोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस कैसे बदलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक अकाउंट में खुद का फ़ोन नंबर या फिर खुद का दूसरा जीमेल आईडी कैसे बदलना है। आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करना। वीडियो में कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके बताना, मैं आपको रिप्लाई में ज़रूर जवाब दूंगा। तो चले दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए तो आपको अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे आना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको एक बार फिर से सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस आ जाएगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, तो इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप सबको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉन्टैक्ट इन्फो, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पहले से जो फ़ोन नंबर या फिर जो ईमेल आईडी आपने ऐड करके रखा होगा वो फ़ोन नंबर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा दिखेगा, और वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको नया फ़ोन नंबर और नया ईमेल आईडी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन मिलता है, ऐड फ़ोन नंबर ऐड ईमेल एड्रेस। अगर आपको दूसरा फ़ोन नंबर दूसरा ईमेल एड्रेस क्लिक करना है, सेव करना है, तो आपको यहाँ पे ऐड वाले फ़ोन नंबर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करके आप अपने दूसरे फ़ोन नंबर को यहाँ पे डाल करके उस फ़ोन नंबर को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक पहले से ही फ़ोन नंबर ऐड है, इसलिए मैं फ़ोन नंबर को ऐड नहीं करना चाहूँगा। मैं एक ईमेल एड्रेस को ऐड करना चाहूँगा। मेरे पास एक और ईमेल एड्रेस ऐड होना चाहिए मेरे अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट को सिक्योर बनाने के लिए आपको 2-3 फेसबुक में ईमेल एड्रेस या फिर 1-2 फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। तो चलो, मैं यहाँ पर ऐड ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ऐड एन एडिशनल ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी डालना है गाइस, जो ईमेल आईडी आपको ऐड करना है वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको अपना फेसबुक का डालना है, जो अभी करंट में आपके फेसबुक से लॉगिन है, मतलब कि आपका जो भी पासवर्ड है फेसबुक का, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद ऐड ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। फिलहाल चलो, मैं अपना यहाँ से पासवर्ड को दर्ज करता हूँ। पासवर्ड डाल देने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं रहेगा, ये पेंडिंग में रहेगा, तो आपको यहाँ पे एक कन्फर्म का बटन और एक नॉट नाउ का बटन दिखेगा। तो आपको ईमेल एड्रेस के वेरीफाई करने के लिए कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। आपको याद रहे, यही ईमेल आईडी जो ऊपर में आपको दिख रहा है, वही ईमेल आईडी के ऊपर आपको ओटीपी जाएगा, तो आपको जा करके वो ओटीपी लेकर आना है। चलिए, मैं अपने जीमेल से वो ओटीपी लेकर के आता हूँ। तो हमारा ओटीपी तो ये रहा हमारा ओटीपी, और देखो यहाँ पे है 1471। मैं अपना पासवर्ड में ओटीपी में डाल लेता हूँ। ओटीपी दर्ज कर देने के बाद यहाँ पे कंफर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने फिर से इसी तरह से इंटरफेस अगर रह जाता है तो कोई बात नहीं, आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको इसे हटा देना है। फिर से आपको फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। दोस्तों, ये फेसबुक का थोड़ा बग है कि तुरंत अपडेट नहीं कर पाता है, इसीलिए हमें हटाना पड़ा। आपको फिर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फो पर फिर से जाना है। देख सकते हो मेरा पे यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस पहले से था और दूसरा मैंने अभी अभी ऐड कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इस ईमेल एड्रेस को हम प्राइमरी ईमेल एड्रेस बनाएं, तो इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद मेक प्राइमरी के ऊपर आपको क्लिक करना है। सो यहाँ पे देखो, मैं इसे प्राइमरी बना लिया हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों कि ये ईमेल आईडी आपको कौन देखना चाहिए, फ्रेंड कि आप लोग, मतलब कि ये आपको करना है सिर्फ ओनली मी के ऊपर, मतलब कि सिर्फ आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस को और कोई दूसरा बंदा नहीं देख सकता है। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट में, फेसबुक अकाउंट में फ़ोन नंबर को और ईमेल एड्रेस को बदल सकते हो। काफ़ी आसान सा ट्रिक था जो मैं आप सबके साथ शेयर किया। ये आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बदलना चाहते हैं अपने फ़ोन नंबर को और अपना ईमेल एड्रेस को, तो अगर नहीं जानते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान गए होंगे। तो दोस्तों, आप हमें बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा यार, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।